तो एक साल का हो गया है किसान आंदोलन। लगातार दिल्ली की सीमाओं पर किसान डटे हुए हैं और आज का दिन बेहद अहम, बेहद खास है। बड़ी खबर आपको बता दें, किसान आंदोलन का एक साल पूरा होने के मौके पर दिल्ली की सीमाओं पर देश भर से किसान इकट्ठा हो रखे हैं। बड़ी संख्या में किसान हरियाणा से पहुंचे हैं, पंजाब से पहुंचे हैं और अलग अलग बॉर्डर्स पर किसान इकट्ठा हो रखे हैं। 29 नवंबर को दिल्ली कूच करने वाले के किसान ट्रैक्टरों के जरिए दिल्ली कूच होगा। किसानों की भीड़ को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है, सुरक्षा बल तैनात किया गया है, बैरिकेड्स लगाए गए हैं। और हालांकि कहा यह भी जा रहा था कि अब एक ट्रैक्टर मार्च को लेकर भी तैयारी किसान कर रखे हैं। हालांकि ये होगा या नहीं होगा अलग बात है। दूसरा ये भी देखना होगा कि 29 नवंबर को दिल्ली कूच को लेकर किसान नेता और दिल्ली पुलिस के बीच क्या कुछ बातचीत हो पाती है। और खबरें अभी तक के संवाददाता प्रदीप धनखड़ टिकरी बॉर्डर से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। एक साल हो गया है प्रदीप किसान आंदोलन को और आज के दिन बड़ी संख्या में किसान एक बार फिर से दिल्ली की सीमाओं पर जुटे हैं। ऐसे में एक साल में क्या कुछ बदल गया? जी बिल्कुल, एक साल आज पूरा हो गया है किसान आंदोलन के चलते हुए। तीन कृषि कानूनों को रद्द करवाने की मांग को लेकर यह आंदोलन शुरू हुआ था। हालांकि जो मांगे हैं वो सरकार ने अब मान लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो लाइव आकर यह संदेश दिया कि वो कृषि बिल्कुल। प्रदीप आपसे फिर जुड़ेंगे। तो देखिए, एक साल का आंदोलन हो गया है, ऐसे में दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर किसान इकट्ठा हो रहे हैं। किसान यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल, दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर किसान जुटे हुए हैं। टिकरी बॉर्डर का नजारा हम दिखा रखे हैं दर्शकों को। तो प्रदीप, एक साल में कितना कुछ बदल गया है? क्योंकि देखिए, जब किसान आंदोलन शुरू हुआ था तब से लेकर अब तक लगातार आपने इस आंदोलन को बहुत करीब से देखा है, पल पल का अपडेट आप दर्शकों तक पहुंचाते रखे हैं, तो आज के दिन का नजारा कितना अलग है? जी बिल्कुल, बीच में जब आंदोलन जो है वो थोड़ा सा कम हुआ था, लेकिन अब आज एक बार फिर से किसानों में जोश देखने को मिला है। बहादुरगढ़ में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया है, जहां महिला और पुरुष किसानों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। आप जो तस्वीरें देख रहे हैं सीधी तस्वीरें हैं, यहाँ पर किसान आंदोलन के दौरान जो शहीद हुए हैं उन्हें सलामी देने के लिए एक यहाँ पर स्मारक बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में महिला किसान भी इस महापंचायत में मौजूद है। इतना ही नहीं, पुरुष किसानों की संख्या भी काफी यहाँ पर देखने को मिल रही है। करीब 7 एकड़ में किसानों के बैठने की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। यहाँ दूर दराज से किसान आए हैं, पंजाब है, हरियाणा है और देश भर के अन्य हिस्सों से भी किसान चलकर यहाँ पहुंचे, क्योंकि जश्न मना रहे हैं कि तीन कृषि कानून अब रद्द होने जा रहे हैं। लगातार किसानों की संख्या में इजाफा हो रहा है।